मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने हाल ही में मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि मुस्लिम आरक्षण का विषय मुख्यमंत्री के सामने बतौर पेश नहीं हुआ है, जब पेश होगा तब उचित निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री के बयानों से ये बात स्पष्ट हो रही है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में मतभेद है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने कहा था कि पिछली सरकार के मुसलमानों को आरक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण देने के निर्णय को मान्यता दी गई है। सरकारी स्कूल महाविद्यालय में आरक्षण देने को लेकर हाईकोर्ट में मान्यता दी थी, वहीं नौकरी और प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण देने को लेकर सरकार विचार कर रही है। मगर अब इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने सफाई दी है। नवाब मलिक की घोषणा के बाद मुस्लिम नेताओं और राज्य के मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण ने यह साफ कर दिया है कि मुस्लिम आरक्षण ठाकरे सरकार में एक राय नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मुस्लिम आरक्षण पर निर्णय नहीं हुआ है, ये फिलहाल 3 पार्टियों की जांच कमेटी के सामने नहीं आया है। जब ये विषय सामने आएगा तब इस पर निर्णय लिया जाएगा। शिवसेना ने मुस्लिम आरक्षण पर चुप्पी तो तोड़ी, मगर मुख्यमंत्री के जवाब के बाद भी शिवसेना का मुस्लिम आरक्षण को लेकर उनका स्टैंड साफ नहीं हो पाया है। एक दोन तीन जे भी बोल लो, एक तर मुस्लिम आरक्षणाबद्दल कोणताही मुद्दा आमच्या समोर प्रस्ताव आलेला नाही, तो आल्यानंतर त्याची वैधता वगैरे तपासून बघू आम्ही आणि मग बघू, पण अजून कोणताही निर्णय आम्ही घेतलेला नाही। म्हणून कृपा करून जे कोणी आदळापट करणारे लोक आहेत त्यांना मी सांगतो, आदळापट करू नका, असा मुद्दाच समोर आलेला नाही। नंबर दोन, मी सामन्याच्या संपादक पदाबद्दल सुद्धा बोललो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा आहे और गव्हर्नमेंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, विरोधाभास नहीं है। इसको पहले कैबिनेट में लाया जाएगा, उसको प्रस्ताव पारित किया जाएगा और बाद में सदन में लाके उसको मंजूर किया जाएगा, क्योंकि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमान समान कार्यक्रम का हिस्सा। लेकिन उद्धव जी लगातार डिनायल मोड पर है, वो कल से ही शिवसेना पार्टी को ऐसा है कि आज मुख्यमंत्री की तरफ से खुद कहा गया। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि कमान समान कार्यक्रम जो है हमारा, उसके बाहर एक सरकार नहीं जाए। मुस्लिम आरक्षण देना ये हमारी कमिटमेंट है, कांग्रेस राष्ट्रवादी की तो कमिटमेंट है ही, हमारे जाहिरनामा जो है उसमें वो पॉइंट हमने डाला है। आगे इस पर अभी तक हमारे कैबिनेट में डिसीजन हुआ नहीं, हमारी समन्वय समिति जो है, हमारी कोऑर्डिनेशन समिति कमिटी, उसमें कोई चर्चा हुई नहीं है। बाद में चर्चा हो जाएगी, हम मुस्लिम आरक्षण की कमिटमेंट पूरी करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।